नमस्कार, कॉलेज परीक्षाओं जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कॉलेज छात्रों को प्रमोट करने पर बड़ा फैसला, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल के छात्रों को भी प्रमोट करने से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते कहर और हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तमाम अपडेट और जानकारी मिलने वाली आपको इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, एकीट्यू ने 2 लाख छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपकी 30 जून के बाद में परीक्षाएं होगी और सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि अब किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद एकेटीयू ने 2 लाख छात्रों को प्रमोट करने का शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और ये कोरोना का असर है और कोरोना के कहर के कारण ये बड़ा फैसला एकेटीयू ने इस वक्त लिया है। लेकिन इस पर शासन करेगा अंतिम फैसला कि छात्रों को प्रमोट करना है या फिर परीक्षाएं करवानी है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से विलोम करते हो, वीडियो के अंत तक देखिएगा, सभी के लिए काम की और जरूरी खबर है प्रमोट से जुड़ी। देखिए यहाँ पे कोरोना संक्रमण को बढ़ते केस हुआ पैदा हुए हालातों को देखते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्यूटी ने शासन को अपने करीब 2 लाख छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए कुछ फार्मूले भी सुझाए गए हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शासन ही करेगा। यूपी में विश्वविद्यालय समन 750 कॉलेजों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी व आर्किटेक्चर के करीब 2.25 लाख इसमें छात्र है। देखिए अब सबसे बड़ी खबर, यूजीसी व AICTE ने स्थानीय स्तर पर कोरोना की हालत को देखते हुए प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की सहमति दी है। देखिए यदि हालात सामने नहीं होते तो सभी छात्रों को प्रमोट करने की यहाँ पे सहमति दी है और इस क्रम में AQTU पहले फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा की कवायद कर रहा था। हाल ही में दिन में कोरोना के केस बढ़ने व विश्वविद्यालय संबंध कई बड़े संस्थानों के क्वारंटीन व आइसोलेशन सेंटर बनाने से परीक्षा केंद्र बनाने में दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने प्रमोट करने का यहां पर प्रस्ताव भेजा है। हालांकि कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने कहा कि प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन हम परीक्षा के लिए भी तैयार है, सब कुछ शासन निर्णय लेगा तभी हम आगे है वो कुछ इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे फार्मूला भी है कि एक फार्मूला 70-30 का यहाँ पे अपनाया गया है और इस फार्मूले में देखिए किस प्रकार से अपनाया जा रहा है कि AQTE के प्रस्ताव में एक फार्मूला 70-30 का भी है। इसके अनुसार पिछले सेमेस्टर में प्राप्त जो औसत अंक है यानी 70 नंबर के आधार पर निकाला जाएगा, यानी जो आपके समूह आप फाइनल ईयर के छात्रों फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो आपके मार्क्स आए हैं उनके 70% के हिसाब से आपका निकल जाएगा 70 नंबर में से, वहीं 30 नंबर सेशनल के होंगे। इसमें कॉलेज से प्राप्त नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे, दोनों को जोड़कर उसका CGPA या ग्रेड तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अन्य फार्मूले भेजे, यानी कि इस पार छात्रों को प्रमोट करने पर जो है वो AQTE सहमत है और छात्रों को प्रमोट करने पर कवायद भी जारी हो चुकी है और यहाँ तक कुलपति ने भी ये स्वीकार कह दिया कि हम इस बार परीक्षा आयोजित है वो नहीं करवा सकते। यदि शासन इस पर निर्णय देता है कि परीक्षा करवाना है तो हम परीक्षा करवाएंगे, अन्यथा हम परीक्षा नहीं करवाएंगे, सभी छात्रों को प्रमोट करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 2 लाख से ऊपर छात्र इसमें अध्ययन करते हैं, सबसे बड़ा फैसला जल्द आने वाला है और जब भी शासन का फैसला आएगा सबसे पहले अपडेट आपके अपने चैनल शिक्षा ज्ञान के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या सभी छात्रों को प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या AQTE सही करा या फिर गलत, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम अपडेट के लिए शिक्षा ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।